गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। कल के वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ओवम पढ़ चुके थे, आज हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में समझेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एक साइक्लिक चेंजेज होती है। क्या होती है? एक साइक्लिक चेंजेज होती है, उस चेंजेज को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। रिप्रोडक्टिव ट्रैक मतलब, रिप्रोडक्टिव ट्रैक का हिंदी होता है प्रजनन मार्ग। क्या होता है? प्रजनन मार्ग। तो प्रजनन मार्ग में जो चेंजेस होती है और वो चेंजेस साइक्लिक के तौर पर, मतलब एक बार यह चेंजेस हुआ और फिर से एक बार फिर स्टार्ट हुए हैं चेंजेस। यह चेंजेस होने में 28 से 29 दिन का टाइम लेता है। कितना लेता है? 28 से 29 दिन का। यह टाइम ज्यादा भी हो सकता है, 30 दिन हो सकता है, 32 दिन हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल है वो 28 से 29 दिन का। तो यह जो साइक्लिक चेंजेस होती है, इस चेंजेस को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम लोग आगे देखेंगे कि यह चेंजेस किस तरह से होती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो पॉइंट आता है, दो वर्ड आता है, मेनार्च और मेनोपॉज। मेनार्च का करने का मतलब है कि जब प्यूबर्टी आती है, तो प्यूबर्टी आने के बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो जो स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्च। क्या बोलते हैं? मेनार्च। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। आप बोलेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है, मतलब मेनार्च कब आता है? तो 8 से लेके 13 ईयर तक। कब? 8 से लेके 13 ईयर तक। और मेनोपॉज कब होता है? तो 45 या 50 या 50 प्लस, ये सब के बीच में मेनोपॉज हो जाता है, ठीक है। मेनोपॉज का मतलब है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता था वह अब नहीं चलेगा, वह रुक जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में चार फेज होते हैं। कौन कौन सा? एक फॉलिकुलर फेज, फिर ओवुलेटरी फेज, लुटियल फेज और ब्लीडिंग फेज। कितने फेज होते हैं? चार। ओवुलेटरी फेज और सॉरी फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज, लुटियल फेज और ब्लीडिंग फेज। तो फॉलिकुलर फेज को हम लोग प्रोलिफेरेटिव फेज भी बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं एक एक करके कि फॉलिकुलर फेज क्या है, उसमें क्या क्या होता है, फिर ओवुलेटरी फेज में देखेंगे, फिर लुटियल फेज और फिर ब्लीडिंग फेज। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? फॉलिकुलर फेज, देखिए फॉलिकुलर फेज, ऐसा नहीं लगता है कि फॉलिकल्स के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो यह फॉलिकल्स कहाँ प्रेजेंट था? यह फॉलिकल ओवरी में, देखिए पढ़े थे ना अगले वीडियो में, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, तो उसी के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो प्राइमरी फॉलिकल फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि यह जो स्टार्ट होता है वह प्यूबर्टी आने के बाद होता है। सारा प्रक्रिया प्यूबर्टी जैसे आती है तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है। हाइपोथैलेमस जब एक्टिवेट होता है तो क्या रिलीज करता है? GnRH। क्या रिलीज करता है? GnRH, जिसको हम लोग बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हम ये प्रीवियस वीडियो में इसका पूरा फुल फॉर्म लिखवाए थे। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है कि यह जो होता है पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। तो पिट्यूटरी के कौन सा लोब में? पिट्यूटरी में दो लोब होते हैं, एक एंटीरियर लोब और एक पोस्टीरियर लोब। तो पिट्यूटरी के यह एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। यह जब पिट्यूटरी में एंटीरियर लोब को जब स्टिमुलेट किया तो वह दो हार्मोन सीक्रेट करता है, एक FSH और एक LH। FSH को हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा LH, इसको बोलते हैं लुटिलाइजिंग हार्मोन, उसको हम लोग आगे डायग्राम में भी देखेंगे। फॉलिकुलर क्या करता है कि फॉलिकुलर हार्मोन जो होता है वह क्या करता है कि जो फॉलिकल होते हैं, जो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल या टर्शियरी फॉलिकल जो बना रहता है उस पे जाके स्टिमुलेट करता है। क्या करता है? उसमें जाके स्टिमुलेट करता है। साथ ही साथ जो जो स्टिमुलेट करता है जिससे प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल और फिर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। उसके बाद By help of FSH, primary oocyte get converted to secondary। उसके बाद जो primary follicle है वो तो convert होता ही है, लेकिन जो primary oocyte होता है वो भी secondary oocyte में convert हो जाता है, ठीक है। या किसके stimulation से होता है? वह FSH के stimulation से होता है। जब FSH primary follicle जो primary oocyte था उसको secondary oocyte में convert कर दिया और primary follicle, secondary follicle और tertiary follicle जब mature हो गया तो वह graafian follicle में convert हो गया, ठीक है। उसके बाद जब ये फॉलिकल डेवलप हुआ है, मैच्योर हुआ है, तो उसका भी कुछ काम होगा, तभी मैच्योर हुआ है,
तो इसका क्या काम है, तो फॉलिकुलर से एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ये भी एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उस हार्मोन को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का, अब एस्ट्रोजन क्या करेगा, एस्ट्रोजन जो है वह यूट्रस के वॉल को ठीक करेगा, मतलब कि यूट्रस के वॉल को डेवलपमेंट करेगा। यह यूट्रस के वॉल को क्यों डेवलपमेंट करेगा, वह यूट्रस के वॉल को कौन सा साइड, इंडोमेट्रियम साइड, मतलब इनर साइड। यूट्रस के वॉल में थ्री लेयर थे, एक इंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाले, बाहर वाले को बोलते हैं पेरीमेट्रियम, और बीच वाले को मिडिल वाले को मायोमेट्रियम। तो जो इनर साइड थे यूट्रस के, जो इनर साइड थे उसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। तो वह इंडोमेट्रियम के वॉल को डेवलप करेगा, ठीक करेगा, मोटा करेगा, ऐसा इसलिए ताकि फर्टिलाइजर के बाद जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, जो जागर डेवलप होता है, वह जाके वहाँ इम्प्लांट होगा। और मोटा इसलिए होता है ताकि उसको प्रॉपर अटैचमेंट दे सके और नरिशमेंट दे सके, ठीक है। तो एस्ट्रोजन का, एस्ट्रोजन सीक्रेट हुआ कहाँ से, फॉलिकुलर से, फॉलिकुलर से एस्ट्रोजन बनाया और एस्ट्रोजन जाके एंडोमेट्रियम को डेवलप किया। जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, तो वह बिहेव करता है नेगेटिव हार्मोन की तरह, मतलब वह इनहिबिट का बिहेव करता है, इनहिबिट करता है। और यह इनहिबिट जो होता है वह किसको करता है, पिट्यूटरी हार्मोन को, किसको करता है, पिट्यूटरी हार्मोन। तब जो होता है पिट्यूटरी हार्मोन जो होता है उस समय जो एफएसएस रिलीज कर रहा होता है उसको बंद कर देगा। और क्या रिलीज करेगा, फिर एफएसएस बंद कर देगा और फिर क्या रिलीज करेगा, लुटिलाइजिंग हार्मोन, ठीक है। लुटिलाइजिंग हार्मोन क्या करता है कि लुटिलाइजिंग हार्मोन जो होता है वह पहले ग्राफीन फॉलिकल को रप्चर करता है, रप्चर करने में काम आता है। लुटिलाइजिंग हार्मोन जो होता है वह ग्राफीन फॉलिकल को रप्चर करता है। क्यों रप्चर करता है, वह इसलिए रप्चर करता है ताकि जो सेकेंडरी ओसाइट उसमें प्रेजेंट है वह वहां से रिलीज हो सके। और जो सेकेंडरी ओसाइट ग्राफीन फॉलिकल से रिलीज होता है इसको हम लोग बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। अब वह रिलीज होकर सेकेंडरी ओसाइट कहाँ चला जाता है, वह जो रिलीज होता है सेकेंडरी ओसाइट उसको फलोपियन ट्यूब के जो फिमरी है उसके द्वारा कैच कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और फिर फलोपियन ट्यूब में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो एलएस क्या करता है, ब्रीक करता है और रिलीज करता है सेकेंडरी ओसाइट इन द फलोपियन ट्यूब, ठीक है। यह जो ओवुलेशन होता है, यह जो ओवुलेशन होता है वह कब होता है, यह ओवुलेशन 14 डे में होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे में। सपोज कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे का है, 28 डे का, तो ओवुलेशन होगा कितना, 14 डे का। जितना भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 29 डे में है तो इसको 14 घटा दीजिए, ठीक है, और जितना भाग है उतना ही डे में ओवुलेशन होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डायग्राम से कि फॉलिकुलर फेज और ओवुलेटरी फेज। देखिए हाइपोथैलेमस जो है वह पहले, हाइपोथैलेमस जो होता है जैसे प्यूबर्टी आती है तो हाइपोथैलेमस अस्टिमुलेट होता है, तो हाइपोथैलेमस जब अस्टिमुलेट होता है तो क्या रिलीज करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं GnRH। GnRH क्या करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को अस्टिमुलेट करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन सा लोब में अस्टिमुलेट करता है, एंटीरियर लोब। तो यह एंटीरियर लोब को अस्टिमुलेट किया, जैसे एंटीरियर लोब को अस्टिमुलेट किया या दो हार्मोन सीक्रेट करता है, एक फॉलिकुलर अस्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक लुटिलाइजिंग हार्मोन। फॉलिकुलर अस्टिमुलेटिंग हार्मोन को FSH बोलते हैं शॉर्ट में, और लुटिलाइजिंग हार्मोन को LH बोलते हैं। FSH क्या करता है कि FSH जो होता है वो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्शियरी फॉलिकल को अस्टिमुलेट करता है, और साथ में ग्राफियन फॉलिकल। यह जो प्राइमरी फॉलिकल है यही कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में, और यही सेकेंडरी फॉलिकल फिर डेवलप करता है तो टर्शियरी फॉलिकल बनता है, और यही टर्शियरी फॉलिकल जब मैच्योर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। यह तीनों, यह जो फॉलिकल्स है यह एक हार्मोन सीक्रेट करता है, वह क्या है, क्या प्रोड्यूस करता है हार्मोन, वह है एस्ट्रोजन, ठीक है। यह एस्ट्रोजन क्या करता है कि जाके यूट्रस में इंडोमेट्रियम जो होता है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो धीरे 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 इंडोमेट्रियम का जो लेयर होता है वह मोटा होने लगता है, क्या होता होता है, मोटा होने लगता है, ठीक होने लगता है, ठीक है। जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यह जो लेवल होता है वह नेगेटिव इंपैक्ट डालता है किस पे, पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब इनहिबिट करता है। जब वह इनहिबिट करेगा तो यह पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वह एफएसएस रिलीज करना बंद कर देगा, और क्या रिलीज करेगा, एलएच। एलएच को हम लोग क्या बोलते हैं, लुटिलाइजिंग हार्मोन। एलएच जो है वह सबसे, एलएच का सबसे पहला काम है कि पहले ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करेगा। जैसे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा क्या रिलीज होगा, सेकेंडरी ओसाइट, और यह सेकेंडरी ओसाइट जो रिलीज होता है ग्राफियन फॉलिकल से इसको हम लोग बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन।
उसके बाद ओवुलेशन जो हो गया, उसके बाद जो एक और हार्मोन बनता है प्रोजेस्टेरोन, या कैसे बनता है कि जो ग्राफीन फोलिकल है यह कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम में, और कॉर्पस लूटियम जो होता है एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है वह प्रोजेस्टेरोन। इसको हम लोग देखेंगे कि लूटियल फेज में और ब्लीडिंग फेज में कैसे वर्क करता है। ठीक है, थैंक यू।